ये रिश्ता क्या कहलाता है। प्यार को जब प्यार मिले तो जिंदगी सवर जाती है, ऐसे प्यार को जब धोखा मिले तो जिंदगी बिखर के रह जाती है। क्या गुनाह था मेरे बेटे का, क्या गलत किया था इसने, किस बात की सजा मिल रही है इसे? बस यही कि उसने एक लड़की से पूरे दिल से प्यार किया। एक साल में 116 चांद रातें होती है, बीते एक साल की हर रात मेरे बेटे के लिए बस अमावस की थी। एक साल में 4 मौसम होते, पर मेरा बेटा बस गम का ही मौसम झेल रहा है। होली, दिवाली, दशहरा, एक साल में कितने त्योहार होते हैं, पर बीते एक साल से मेरा बेटा बस मातमी मना रहा है। कहते हैं वक्त हर घाव को भर देता है, पर एक साल से मेरे बेटे के घाव बस गहरे ही होते जा रहे हैं। जितना उन घावों की जलन बढ़ती जा रही है, उतना ही ये अपने दर्द को अपनी हंसी के पीछे छुपाता जा रहा है। तड़प रहा है, कितना कुछ सह रहा है मेरा बच्चा। मुझे तो डर लग रहा है कि इसी तरह अभिमन्यु गुस्सा दबाता रहा तो एक दिन उसे ब्लड प्रेशर वगैरह हो जाएगा, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। अगर गलती से भी अक्षरा अभिमन्यु के सामने आ गई ना, तो न जाने अभिमन्यु क्या कर बैठेगा। सामने आई तो बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं मेरा बेटा। आटे बिछड़े सांसों की है, यादें तेरी बंद आंखों में है। तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे, ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे। अभिमन्यु को सारी चीजें जैसे ही पता चलेगी ना, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा अक्षरा, वो कभी नहीं मानेगा तुम्हारी बात। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है, पर मैं उसे मना लूंगी, मैं उसका गुस्सा भी शांत करूंगी और मैं माया के लिए गाना भी गाऊंगी, पर मैं उससे दूर नहीं रहूंगी। अगर गलती से भी अक्षरा अभिमन्यु के सामने आ गई ना, न जाने अभिमन्यु क्या कर बैठेगा। अगर वो सामने आ गई तो बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं मेरा बेटा। तेरे साए में ख्वाबों की बाहों में अपनी कहानी लिखूं, हंसते हुए पल में रोते हुए पल में बस तेरी जुबानी। कोई है? दरवाजा खोलिए!
एक्सक्यूज मी। यस प्लीज डॉक्टर। वेरी गुड। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन। ये तो मेरा फर्ज था। थैंक यू, अगर आपको बोलना है तो उनको बोलिए जिसकी वजह से यहाँ पर टाइम पर आए। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता इनको बचाना। वैसे कौन था अभिमन्यु को हॉस्पिटल तक कौन लाया? एक लड़की थी। असल में अभिमन्यु की जान मैंने नहीं, उसी लड़की ने बचाई। भगवान उसका भला करे। भैया भैया आप कहाँ रह गए थे? अक्षरा कहाँ है? भैया भैया आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अक्षरा चली गई क्या? वो मेरे लिए इवेंट फिनाले में नहीं गाएगी भैया? नहीं, मेरी सारी मेहनत, मेरे ड्रीम्स, नहीं 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 भैया, प्लीज प्लीज भैया मुझे लेकर आइए ना। हाँ, उसको जो चाहिए आप उसे दे दीजिए। आप प्लीज उसे बस लेकर आइए। अगर मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी भैया, प्लीज। नहीं नहीं, मुझे नहीं सुनना। आपके और उसके जो भी इश्यूज है ना, आप वो सब साइड करके उसको लेकर आइए भैया, प्लीज। आप उसे कैसे भी लेकर आइए, जस्ट ब्रिंग हर भैया, लेकर आइए। माओ मेरी बात सुन। माओ हेलो सर, मैं रिसेप्शन से बोल रहा हूँ। आपके साथ जो मैडम है रूम नंबर 205 में, उनके रूम वाले इंटरकॉम पे कोई आदमी बार बार कॉल कर रहा है पर फोन कोई उठा ही नहीं रहा, तो मैंने सोचा चेक कर लूं। मैडम आपके साथ हैं क्या? अभिमन्यु तो बेहोश है, फिर ये बार बार अक्षरा को कौन फोन कर रहा होगा? अभी का गुस्सा शांत कर दूंगी और फिर वो मान जाएगा, पर उसका उसका गुस्सा नफरत में बदल गया। He hates me. पूरी फैमिली नफरत करती है मुझसे, पर मैं अभी के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं उसे मना लूंगी, मैं कुछ बिगड़ने नहीं दूंगी। दरवाजा खोलिए। अक्षु, मैं अभी अभी सब ठीक है बेटा, सब ठीक है। मैं यहाँ का आप लोग कैसे हैं? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़की तुझे यहाँ लेकर आई और शायद उसी ने तेरे तेरे फोन से हमें मैसेज किया और हम यहाँ पर आ गए। आवाज जो मैंने सुनी थी उसका कोई ना कोई कनेक्शन अक्षरा से है, उसके लिए मुझे दोबारा वापस जयपुर आना ही होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है?